साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है, अभी दो चार दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना, देखना, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है, हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी, उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है, और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए, मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए, अगर घर में मटका है तो उसको बताइए कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है, उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं, ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए।